हेलो फ्रेंड्स, सेल्फ गाइड स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ यूपी ट्रिपल एससी में जो असिस्टेंट अकाउंटेंट का इंटरव्यू चल रहा है उसके कुछ क्वेश्चंस मेरे पास आए हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और 20 तारीख को जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आइए चलिए देखते हैं वो सारे क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। यहाँ देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया है CRR किसे कहते हैं। तो किसी कमर्शियल बैंक को जब अपनी कुल जमा राशियों का नकदी भाग जो RBI को देना पड़ता है, RBI के पास रखना पड़ता है, तो उसे CRR कहते हैं। और इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है भारत में सुरक्षित मुद्रा निधि का अभिरक्षक कौन होता है। तो RBI होता है भारत में सुरक्षित मुद्रा का अभिरक्षक। और इसके बाद है नाबार्ड किसकी सिफारिश पर बनाई गई है। तो नाबार्ड, ये देखिए यहाँ मिस्टेक हो गया है, संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नाबार्ड बनाया गया था। और इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन जो है, अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और मैं PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसके बाद देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया वो है व्यावसायिक योजना को क्या कहते हैं। तो व्यावसायिक योजना को रणनीतिक योजना कहते हैं। और इसके बाद पूछा गया है उपभोक्ता के व्यवहार पर सबसे व्यापक एवं गहन प्रभाव डालने वाला घटक को क्या कहते हैं। तो उपभोक्ता के व्यवहार पर सबसे व्यापक एवं गहन प्रभाव डालने वाला घटक को संस्कृति कहते हैं। और इसके बाद रेपो रेट, देखिए ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो, ये सब आप याद रखिएगा। ये पूछा गया है रिवर्स, ये यहाँ रेपो रेट पूछा गया है, रेपो रेट किसे कहते हैं। जब RBI व्यापारिक बैंकों को ऋण देता है और उस पर ब्याज वसूल करता है तो उसे रेपो रेट कहते हैं। और जो लोग पहली बार आए हैं मेरे चैनल पर वो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और साथ ही साथ बेल के आइकन पर क्लिक जरूर कर लेंगे, क्योंकि मैं जो भी वीडियो डालूंगा वो आप तक आसानी से पहुंच जाएंगे। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है उत्पाद कर के बारे में बताओ, उत्पाद कर के बारे में बताना है। तो उत्पाद शुल्क या आबकारी एक अप्रत्यक्ष कर है जो भारत में विनिर्माण की जाने वाली उन वस्तुओं पर लगाया जाता है जो घरेलू खपत के लिए होती है। और कर विनिर्माण पर लगाया जाता है और जैसे ही वस्तुओं का विनिर्माण हो जाता है केंद्रीय उत्पाद शुल्क देय हो जाता है। और यह विनिर्माण पर लगाया गया कर है जो विनिर्माता द्वारा अदा किया जाता है, ठीक है, और जो अपना कर भार ग्राहकों पर डाल देते हैं। तो ये उत्पाद कर हो गया। और इसमें देखिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है एक बाइट क्या होता है। तो एक बाइट में कितना बिट होता है ये बताना है, 8 बिट होता है, 1024 बाइट में कितना KB होता है ये पूछा गया था। तो 1 KB होता है, 1 KB बराबर 1024 बाइट होता है। जावा क्या है, तो जावा एक प्रोग्रामिंग भाषा है। इसके बाद पूछा गया है कंप्यूटर से ही क्वेश्चन है, डेटा संचरण मापने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली इकाई क्या है। तो डेटा संचरण मापने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली इकाई बिट्स प्रति सेकेंड है। और इसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है पूछा गया है वो भारत का सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक कौन सा है। तो भारत का सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक इलाहाबाद बैंक है। और एक बात ये बता देना चाहता हूँ कि जो लोग यहाँ पर देखिए कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और मैं उसे दोहराया नहीं हूँ क्योंकि मैंने उसे अपने पहले वीडियो में ले चुका हूँ। तो इसलिए आप पहले का जितना भी वीडियो है वो ज़रूर देखें ताकि आप सबको फ़ायदा हो जाए, वहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो या और जूनियर असिस्टेंट का मैंने जितने भी वीडियो अपलोड किया है वो ज़रूर देखें और साथ ही साथ असिस्टेंट अकाउंटेंट का भी, क्योंकि क्वेश्चंस दोनों में से पूछा जा रहा है। और इसके बाद पूछा गया है अंडों के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो अंडे के उत्पादन में भारत का 3रा स्थान है विश्व में। और इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। इसके बाद पूछ दिया गया है 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है। तो 1 रुपये के नोट पर आप लोग जानते होंगे वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है। और इसके बाद एशियाई विकास बैंक ने भारत के किस नगर में अपना आवासीय कार्यालय खोला है। तो एशियाई विकास बैंक ने भारत के नई दिल्ली में अपना आवासीय कार्यालय खोला है। और इसके बाद है ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो 16 सितंबर के डेट में मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और इसके बाद है किसी देश द्वारा आयातों पर लगाए गए कर को क्या कहते हैं। तो किसी देश द्वारा आयात पर लगाए गए कर को टैरिफ कहते हैं। और 10 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर किसका होता है। तो 10 रुपये के नोट पर रिजर्व बैंक के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है, सिग्नेचर होता है। और इसके बाद
है, पूछा गया है भारत में सबसे अधिक व्यावसायिक शिक्षण संस्थान कहाँ पर है, तो भारत में सबसे अधिक व्यावसायिक शिक्षण संस्थान चेन्नई तमिलनाडु में है। और इसके बाद है, भारत में सर्वाधिक शहरीकरण वाला राज्य कौन सा है, तो भारत में सर्वाधिक शहरीकरण वाला राज्य है महाराष्ट्र। और इसके बाद पूछा गया, भरतनाट्यम कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है, तो तमिलनाडु का प्रमुख लोक नृत्य है भरतनाट्यम। और इसके बाद है, केसर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ किया जाता है, तो जम्मू कश्मीर में केसर का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, ये देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो कर्नाटक में स्थित है। और इसके बाद है, कैमूर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है, बिहार में स्थित है। और इस तरह से आज के सारे क्वेश्चंस पूरे हुए हैं। जो लोग पहली बार आए हैं मेरे चैनल पर, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और साथ ही साथ बेल के आइकन पर क्लिक जरूर करेंगे, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में। धन्यवाद।